जी स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, सी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड डी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड ए प्लस दिस मैट्रिक्स, बी प्लस एंड दिस मैट्रिक्स, सी प्लस मैट्रिक्स हमने उसमें प्लस करना है, बी है और उसमें ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हमने प्लस करना है और 2a लिखा हुआ है। अब यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि ये 2a है क्या। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि 2 को हमने मैट्रिक्स a के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह हमने -1 को मैट्रिक्स b के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और इस तरह -2 को हमने c मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी तरह 3D, जी ये 3D थ्री डायमेंशनल नहीं लिखा हुआ बल्कि ये लिखा हुआ है कि 3 को हमने मैट्रिक्स B के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, और इस तरह 3 को हमने मैट्रिक्स C के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक बात खास याद रखिएगा कि जब भी नंबर हो उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने उनको आपस में जो भी हमने लिखा हुआ है उनको आपस में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो पार्ट 1 पे आते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। सो पार्ट 1 में वो लिखते हैं a प्लस 1 1 1 एंड 1 इज इक्वल टू मैट्रिक्स। अब यहाँ पे इक्वल का साइन मैंने इसलिए लिखा कि हम ये मैट्रिक्स a को लिखेंगे तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उसमें ये जो मैट्रिक्स 1 1 वाला जो लिखा है ये हम प्लस करते जाएंगे। सो a मैट्रिक्स है हमारे पास -1 2 2 1 और उसमें हमें प्लस करना है, उसमें हमें क्या करते हैं 1 1 1 और 1 को क्या करें, प्लस कर लें। चलिए जी हम प्लस कर देते हैं, -1 प्लस 1 इसी तरह 2 प्लस 1 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1। चलिए जी हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ये माइनस है और ये प्लस है तो 0 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 एंड 1 प्लस 1 2। सो ये a प्लस यानी हम देखें अगर तो यहाँ पे हमने सारों में 1 1 क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। सो ये पार्ट a हो गया। इसी तरह पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 में क्या कहता है कि b में ये वाला मैट्रिक्स क्या करें, प्लस कर लें। तो हम प्लस कर लेते हैं b प्लस -2 एंड 3 is equal to matrix B को हम लिखते हैं। मैट्रिक्स B है 1 -1 एंड प्लस -2 एंड 3। चलिए जी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जी 1 प्लस -2 एंड -1 प्लस 3। चलिए देखें अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस सो माइनस टू में से 1 -2 के प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब 1 को हमने -2 से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि बिगर नंबर के साथ कौन सा साइन है माइनस का, और 2 में से 1 माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। तो यहाँ पे -1 आ गया। इस तरह -1 में से -1 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3 से, सो -1 प्लस 3 बिगर नंबर के साथ मतलब प्लस का साइन है, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है, +2। अब ये हमने पार्ट 2 सॉल्व कर लिया। इससे पहले एक चीज़ दोबारा से आप रिवाइज कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि आपने जब भी इनको ऐड कर रहे हैं तो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपने ज़हन में रखना है कि वही मैट्रिक्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम। चलिए अभी हम चलते हैं पार्ट 3 के। जी पार्ट 3 में वो क्या कहता है कि C में प्लस करें ये मैट्रिक्स, सो C प्लस और मैट्रिक्स -2 1 3 इज इक्वल टू मैट्रिक्स C 1 -1 एंड
टू प्लस और कौन सा मैट्रिक्स माइनस टू वन एंड थ्री जी। अब हम इन दोनों को हमने क्या करना है प्लस करना है, सो वन प्लस माइनस टू माइनस वन प्लस वन एंड टू प्लस थ्री। चलें अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सिंपल सिमिलरली जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में किया था, तो ये प्लस माइनस माइनस सो बिल्कुल वैसे ही है। तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस वन एंड माइनस वन एंड प्लस वन जीरो टू और थ्री फाइव। तो हमने क्या किया कि सी मैट्रिक्स को जो मैट्रिक्स उसने दिया हुआ था हमने उसमें क्या किया उसको प्लस कर दिया। आई होप सो के पार्ट थ्री भी आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह आप पार्ट डी को भी सॉल्व कर सकते हैं। हम पार्ट डी को स्किप करते हैं और चलते हैं पार्ट नंबर फाइव के। सो पार्ट नंबर फाइव में वो कहते हैं कि टू को ए से क्या करें मल्टीप्लाई करें, यानी टू को मैट्रिक्स ए से हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो हम टू मल्टीप्लाई बाय लिख के मैट्रिक्स ए को लिख लेंगे और वो क्या है माइनस वन टू टू एंड वन। सो टू को हमने मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी टू को हमने ये मैट्रिक्स ए जो लिखा है इसके साथ हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। सो टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, सो प्लस माइनस माइनस टू वन जा टू प्लस 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 टू टू जा फोर प्लस 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 टू टू जा फोर प्लस 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 टू वन जा टू और मैट्रिक्स का हमने क्या करना है यहाँ पे साइन लगा। सो टू को जब हमने ए से मल्टीप्लाई किया यानी मैट्रिक्स ए से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आंसर माइनस टू प्लस फोर प्लस फोर एंड टू। सिमिलरली हम पार्ट सिक्स को सॉल्व कर लेते हैं और उसमें लिखता है कि माइनस माइनस वन को मल्टीप्लाई करें बी के साथ। सो माइनस वन मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी जो है वन माइनस वन हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 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 यहाँ पे आपने वन वन जा वन एंड वन वन जा वन, तो ये हमारा ठीक है क्या आ गया कि माइनस वन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स बी के साथ, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह आपने माइनस टू को मैट्रिक्स सी के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस टू मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स सी, अब ब्रैकेट मैं यहां पे लगा लूं यहां पे एक ही बात है। सो माइनस टू मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स सी है वन माइनस वन एंड टू। चलें जी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब माइनस प्लस माइनस टू वन जा टू, सिमिलरली माइनस माइनस प्लस टू वन जा टू, सिमिलरली माइनस प्लस माइनस टू टू जा फोर। सो ये हमारा हो गया माइनस टू को हमने क्या किया सी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तौर पे हम पार्ट अगर आ जाए एट के ऊपर तो हमने थ्री को क्या करना है बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने थ्री मल्टीप्लाई में हम बी ऐसे लिख लें, अगर हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिखाना चाहते कोई फर्क नहीं पड़ता हम थ्री बी लिख लेते। तो थ्री मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स डी, तो मैट्रिक्स डी जो है उसमें क्या लिखा हुआ जी वन टू थ्री एंड माइनस वन जीरो एंड टू। चलिए थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन। अब प्लस माइनस पहले हम साइन लगा लेते हैं, प्लस माइनस माइनस थ्री वन जा
3 is a plus और 0 से मल्टीप्लाई करने से प्लस 3 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0 और 3 2 जा 6। सो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा कि 3 को हमने d से मल्टीप्लाई करना है और अब आप 3 को c के साथ भी बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।